नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विनय LLB में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मिलती है मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी लीगल से संबंधित जानकारियाँ। तो आपको मैं इस वीडियो में दो न्यूज़ कवर करने वाला हूँ लोन ऐप से संबंधित। वो पहली न्यूज़ ये है कि गूगल ने करीब 100 ऐप्स को बैन कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा शिकायतें मिलने के कारण गूगल ने 100 ऐप्स को हटा दिया है। और दूसरी न्यूज़ ये है कि जो जियो न्यूज़ पे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का जो प्रोग्राम चलता था, एक मुहिम चलाई थी, उसकी मेहनत रंग लाई है और संसद में इसकी आवाज़ उठाई गई है। सरकार ने क्या कहा है बताऊंगा पूरा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना। दो न्यूज़ को एक साथ कवर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है लोन ऐप्स के रिगार्डिंग, तो ज़रूर इस वीडियो को सुनिएगा और न्यूज़ को भी अच्छे से पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, नियम न मानने वाले पर सख्ती, गूगल ने लोन देने वाले 100 ऐप को बैन किया। ज़्यादा ब्याज वसूलने और डेटा के दुरुपयोग की नहीं मिल रही थी शिकायतें, और ये 4 फरवरी की न्यूज़ है। ठीक है, आगे और पढ़ लेते हैं क्या है। गूगल ने पर्सनल लोन से जुड़े करीब 100 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। यूजर्स और सरकारी एजेंसियों ने इन ऐप्स को लेकर चिंता जताई थी। ठीक है, गूगल ने पर्सनल लोन से जुड़े करीब 100 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। बुधवार को संसद में बताया गया कि ये ऐप नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। यूजर्स और सरकारी एजेंसियों ने इन ऐप्स को लेकर चिंता जताई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इंस्टेंट लोन के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर कई शिकायतें मिली थी। ज़्यादा ब्याज वसूलने और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की मिली शिकायतें। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने एक लिखित जवाब में कहा कि हम इन ऐप के जरिए लोन पर ज़्यादा ब्याज वसूलने की शिकायतें मिली थी। इसके अलावा पर्सनल डेटा के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतें भी सरकार को लगातार मिल रही थी। गूगल ने ऐप को हटाना शुरू किया। गूगल ने कहा कि उसने कुछ पैसे उधार देने वाले ऐप्स को हटा दिया है। ये ऐप नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और सुरक्षित नीतियों का उल्लंघन करते पाए गए थे। हालांकि गूगल ने ऐप की संख्या और उनके नामों का खुलासा नहीं किया है। डेटा लेने से पहले लेनी होगी यूज़र की परमिशन। कुछ दिन पहले गूगल ने कहा था डेवलपर्स को सिर्फ उन्हीं कामों के लिए डेटा का उपयोग करना होगा जिसके लिए यूज़र ने सहमति दी है। अगर वे दूसरी जगह डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए यूजर के लिए अलग अनुमति लेनी होगी। प्ले स्टोर पर पर्सनल लोन के कई ऐप्स, गूगल ने अभी भी पर्सनल लोन देने वाले कई ऐप्स मौजूद हैं। जैसे ही प्ले स्टोर पर लोन लिखकर सर्च किया जाता है तो लंबी लिस्ट खुल जाती है। इनमें से सरकारी ऐप्स के साथ कई प्राइवेट बैंक और फर्म के ऐप भी शामिल हैं। प्ले स्टोर पर ऐप को लेकर RBI सर्टिफिकेट जरूर देंगे। RBI का कहना है कि लोन देने वाली किसी भी लिस्टेड वेबसाइट या उसके ऐप पर जाते हैं तब यह जरूर देखें कि RBI से रजिस्टर्ड है, यानी RBI से रजिस्टर्ड किसी भी बैंक या NBFC के साथ काम कर रहा है। लोन देने वाली सभी कंपनियों को अपनी पहचान संख्या CI नंबर, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं CI नंबर, तो वहीं पे देखा आपने, इसमें भी निकल लिख के आ गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि CoR को साफ तौर पर दिखाना होगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, ये न्यूज़ थी किस तरह से गूगल ने हटा दिया है काफ़ी शिकायतें मिलने के बाद, और गूगल और सरकार एजेंसियों ने मिलकर सारे काम किया है। हम आ गए हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पर, जो हमने आपको बताया था कि चीन लोन एप्लीकेशन पर जी न्यूज़ की मुहिम अब संसद पर पहुंची, सरकार ने दिया जवाब, 4 फरवरी की न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं आगे क्या है। देखिए, ऑपरेशन हफ्ता वसूली चाइनीज़ कनेक्शन, ठीक है, जो ये मुहिम चली थी अब ये काम आ गई है। चीन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम अब संसद पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद सदन में सवाल उठाते हुए सरकार से इन एप्लीकेशन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। चीनी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम अब संसद पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद सदन में सवाल उठाते हुए सरकार ने इन एप्लीकेशन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही यह भी बताने को कहा कि ये एप्लीकेशन भारतीय मानकों और कानूनों के अंतर्गत आते हैं, अगर नहीं तो सरकार इनसे जुड़े मामलों में हस्तक्षेप के लिए कार्रवाई कर रही है। क्या कार्रवाई कर रही है? इस जवाब पर IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने सदन को बताया कि गूगल ने दिसंबर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक लगभग 100 मनी लैंडिंग ऐप्स को लागू कानूनी और विनियामक ढांचे के अनुपालन में नहीं पाते हुए अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY के पास इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ ऑनलाइन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के खिलाफ कई सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनको लेकर सरकार ने गूगल, RBI समेत सभी से राय मांगी है। उन्होंने कहा है कि शिकायतें मुख्य रूप से उच्च ब्याज दरों, व्यक्तिगत डेटा के कथित संग्रह और इनके दुरुपयोग, शारीरिक खतरों की धोखाधड़ी, गैरकानूनी प्रथाओं और ऋण की वसूली के लिए अन्य तरीकों के उपयोग से संबंधित है, और यह भी कि कुछ मामले अदालतों में दर्ज
किए गए हैं। प्रवर्तन एजेंसियां कुछ द्वारा कुछ मनी लेंडिंग ऐप्स की उपलब्धता अधिसूचित किए जाने पर जो समाप्त लागू कानूनी नियामक ढांचे के अनुपालन में नहीं थे, गूगल ने दिसंबर 20 से 20 जनवरी 2021 तक लगभग 100 ऐसे ऐप पहले ही हटा दिए। उन्होंने कहा, उन्होंने लिखित जवाब में सदन को बताया कि गूगल ने कुछ ऐप्स को हटा दिया है जो उपयोगकर्ताओं सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। मंत्री ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 दिसंबर 2020 में एक प्रेस विज्ञप्ति के जारी की कहा गया था कि बैंकों द्वारा वैध सार्वजनिक ऋण गतिविधियों की जा सकती है। आरबीआई और अन्य संस्थाओं द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा राज्य सरकार द्वारा उचित वैधानिक प्रावधानों के तहत विनियमित हैं, जैसे कि पैसे उधार अधिनियम। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है वे इस तरह के एप्लीकेशन के शिकार ना हो। ऐसे ही साथ ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए देने वाले कंपनी के एंटी कैंडिडेट्स को सत्यापित करने का अनुरोध किया गया। सोशल मीडिया पर एक अलग सवाल पर धोत्रे ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 के तहत मदद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटिक ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत अधिसूचित आईटी मध्यस्थता दिशा निर्देश नियम 2011 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि उक्त नियमों में प्रस्तावित संशोधन 24 दिसंबर 2018 के सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए मेटी वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर 2018 को कानूनी विशेषज्ञों और गोपनीयता अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई थी ताकि प्रस्तावित संसाधनों पर दिशा निर्देश तय किया जा सके। इन चर्चाओं के आधार पर सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से प्राप्त टिप्पणियों के साथ नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ सोशल मीडिया को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में नियमित रूप से बातचीत करती है। हाल ही में केरल राज्य ने अपने बजट में केरल राज्य मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1958 में संशोधन प्रस्ताव किया है। तो भैया देख लो, आप ये पूरी न्यूज़ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा दोनों न्यूज़ का। आपने देख लिया कि संसद में भी ये बात आ चुकी है लोन ऐप्स वाली, और गूगल ने भी 100 ऐप को हटा दिया है। तो ये मुहिम काम आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत लोग परेशान हैं, मैं ये मानता हूँ। खैर, उम्मीद है कि इससे भी आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है आप हमें जो है टेलीग्राम पे मैसेज किए, हम आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्यूशन कर देंगे। अभी फ़िलहाल मैंने करीब 4 लोगों का केस लिया है और मैंने कोर्ट में किया है और पुलिस कार्रवाई के लिए मैंने ऑर्डर करा दिया है। तो जल्दी देखते हैं उस पर कोई रिजल्ट मिलता है, मैं आपको अपडेट दूंगा। ऐसे ही आप जो है कोर्ट में अपना जो है मुकदमा दे सकते हैं, केस दर्ज करा सकते हैं। आपके पास सारे एविडेंस होने बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, नई न्यूज़ के साथ, नई अपडेट के साथ। अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वंदे मातरम, जय हिंद।